119 सीटों पर मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और दोपहर 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 37% है, यानी कि 36.68। तेलंगाना में ये एक बयान आया है और वो बयान इस तरह का आया है कि किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेंगे वोटर, तो कांग्रेस कह रही है कि 100% हम सरकार बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब दोनों दल एक दूसरे पर ये अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो मतदान लगातार इस समय भी चल रहा है और जो रफ्तार है वो ठीक ठाक बताई जा रही है। तेलंगाना में वोटिंग के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं, हालांकि कुल 119 सीटों के लिए 2290 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाए, अच्छे पार्टी को चुने, वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के विकास के लिए काम करे, वही सरकार आना चाहिए। इसके लिए आम जनता सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करता है, कांग्रेस पार्टी कितने भी गिरावट जाकर इलेक्शन प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार के ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए। 4 करोड़ तेलंगाना जनता शुभ होना है। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान युवा बहुत सारे दिक्कत उठाए, इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे, इस चुनाव में अच्छा नहीं सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। तो हर पार्टी जो है वो पूरा दमखम अपने दिखाते हुए, हालांकि सुबह से ही मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अब अगर आपको हम जल्दी से दिखाएं, तेलंगाना विधानसभा कुल सीट 119, 2018 के अगर नतीजे देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर 28.43%, वहीं अगर हम बीआरएस का देखें तो 46.87%, एआईएमआईएम का 2.17%। तो ये 2018 के नतीजे रहे हैं 119 सीटों पर अगर हम देखें। तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन दावा इस बार बीजेपी का भी है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, बीआरएस को 88, एआईएमआईएम को 7, टीडीपी को 2। तो ये तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पिछले परिणाम है, लेकिन इस बार किसके साथ जनता जाती है ये आज ईवीएम में कैद हो रहा है और मतदाता सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। पिछली बार बीआरएस जो है वो सबसे ज्यादा सीट हासिल करते हुए, हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट विल विन ऑल दी 4 स्टेट। 4 मीन्स इंक्लूडिंग तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य राजस्थान एंड 1 विल बी इन फाइटिंग दैट नॉर्थ ईस्ट। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाए, अच्छे पार्टी को चुने, वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के विकास के लिए काम करे, वही सरकार आना चाहिए। इसके लिए आम जनता सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करता है, कांग्रेस पार्टी कितने भी गिरावट जाकर इलेक्शन प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार के ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली पीपल सपोर्टेड बीआरएस एंड दिस टाइम आल्सो वी बिलीव पीपल विल सपोर्ट बीआरएस। तो ये घमासान आप देख रहे हैं तेलंगाना का ये पूरा चुनाव। चलिए अपूर्वा का रुख करेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा, अभी किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कई जगह हमने छिटपुट हिंसा की भी खबरें सुनी है, कितने वोटिंग परसेंटेज हो चुका है, ये जमीन पर क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, दर्शकों को अपडेट करें। अगर हम देख सकते हैं फिलहाल 1 PM तक हमारा जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है तेलंगाना में ये है तकरीबन 30
36.68% है 1 PM तक का जो पोलिंग परसेंटेज है। और इस पोलिंग परसेंटेज में हमें ये भी दिखाई जा रहा है कि आदिलाबाद का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रतिशत का वोटिंग परसेंटेज हुआ है। हम इधर फिल्म नगर में है, आप जैसे मेरे कैमरामैन पैन कर सकते हैं तो हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह से कई सारे लोग अभी भी वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है हैदराबाद और तेलंगाना के लिए पूरा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कम ही है वोटिंग परसेंटेज। फिर भी लोग और नेता ये मानते हैं कि शाम 5 बजे जब तक वो वोटिंग क्लोज हो जाता है बूथ, तब तक वो बढ़ता ही जाएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब वोटिंग हुई थी यहाँ पे, काउंटिंग ऑफ वोट भी हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसे ही बिल्कुल अपूर्वा, एक साइकिल बनाए रखें। लगभग 37% आप बता रहे हैं कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज।